चलिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी एस एकेडमी पर तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए कल क्लास नहीं हो पाई थी जिसके कारण आज और अभी क्लास की जा रही है अब आप बोलोगे सर आपका टाइम तो आठ से नौ था दोस्तों आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि मैं साइंस की रामबाण किताब आज लेने जा रहा हूँ सामने वाले ने बोला है कि भाई किताब लेने आप आ जाइए तो उन्होंने टाइम दिया है ठीक है उन्होंने टाइम दिया है आज आठ बजे का तो वहाँ पर जाना है इसीलिए अपन आज क्लास ले रहे हैं अभी जिन लोगों को नहीं है पता उन्हें आप बता दीजिए तो सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग जितने लोग भी देख रहे हैं हाँ हेमा गोस्वामी जी चलिए हेमा जी राहुल मिनावा जी माइकल सोनाली हिरवे आशू सिंह चले सभी लोग सर टाइम क्यों चेंज कर टाइम चेंज नहीं किया टाइम वही है आज साइंस की बुक लेने जाना है जहां अपन ने प्रिंटिंग के लिए भेजी थी उनने बोला है सर आप आ जाइए सात बजे के बाद बंद हो जाएगा नहीं तो नौ बजे तो फिर अपन को जल्दी जाना है ना इसीलिए आज अपन ने क्लास अभी ले ली है ठीक है चलिए तनवी जी भी जुड़ चुकी हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी को पता है कि साइंस के आज पच्चीस महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही प्यारे प्रश्न है देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाओगे पच्चीस में से पच्चीस नंबर आ गए तो मजा आ जाएगा और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए जी एस जी अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सुबह नौ से दस मेरी लाइव क्लास रहती है डेली जो लोग पढ़ रहे हैं इतने सारे लोग आप उनसे पूछ सकते हैं कि बाकायदा एक एक चीज़ को वीडियो के माध्यम से दिखाया जाता है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है नोट्स भी बनवाए जा रहे हैं साथ ही साथ बुक भी मिलेगी ठीक है सभी को गुड इवनिंग ये आपका कोर्स एम का यह आपका आ जाएगा साइंस का कंप्लीट कोर्स अभी 80 परसेंट डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि अब बुक में जैसे ही चालू करूंगा तो इसकी रेट सीधे 500 के ऊपर हो जाएंगे लेकिन आप जिसको जरूरत है भाई ले अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाकी चलिए अब चालू करने वाले हैं लेट्स गेट स्टार्टेड और यह क्या बंदूक चल चुकी है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और यह रहा पहला प्रश्न हाँ फ्रूटी चलो हाँ बिल्कुल फ्रूटी पूरा फोकस करो पढ़ाई पे बढ़िया नोट्स वोट्स बनाते चलना हाँ मोहनी सिंह जी सभी लोग आ चुके हैं भाई चलो अब चालू करने वाले हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है ग्वेटर अथवा थाइराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है थाइराइड ग्रंथि में जो वृद्धि हो जाती है फूल जाती है वो किसके कारण होती है जल्दी बताइए जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से बताओ इसको यहां रख लेते हैं अपन समय आपका निकलते जा रहा है समय हाथों से निकला जाए हाँ हेलो सोनू जी एम जीरो एट वाले रश्मि रजक जी गुड इवनिंग सभी लोगों को मोहनी जी सभी को गुड इवनिंग जल्दी से आंसर दीजिए समय होता है आपका समाप्त समय हुआ समाप्त ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी के कारण होती है आंसर लगातार आने लगे मेरे पास ए ए ए ए, ए कैलाश सस्तिया जी का भी आ चुका है मोहनी जी का प्राची गुप्ता जी का आ गया है सभी के आ गए हैं शंभु दुबे जी का आ गया है दिनेश बघेल बरसा सोनाली फ्रूटी सभी के आ चुके हैं अब सुनना जो गोइटर या थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है आयोडीन की कमी के कारण किसके कारण होती है आयोडीन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अब देखना यहाँ से पेपर में और क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं डेली टाइम अपना आठ से न ही रहेगा अभी इसीलिए कर दिया है क्योंकि आज बुक लेने जाना है लोगों की डिमांड है बुक चाहिए जल्दी तो उन्हें मैं जितने भी स्टॉल हैं उन पर पहुंचा दूंगा ताकि कल से सभी को बुक मिलना प्रारंभ हो जाएंगी ठीक है अब सुनना ये आप व्यक्ति का क्या है मुंह ऐसा ही रहता है ठीक है हाँ तो इसमें जो गला है गला गले में क्या पाई जाती है आप सभी को पता है कि थायराइड ग्रंथि रहती है और ये मुख्यतः पैंसठ से 70 प्रतिशत भाग इसका आयोडीन का बना होता है मान लो इसमें आयोडीन नहीं मिल पाता थायरोक्सिन हार्मोन सही से काम नहीं कर पाता तो ये फूलने लगती है और फूलने के कारण गला फूल जाता है तो याद रखना आयोडीन की अगर कमी होगी तो गले में सूजन आ जाएगी इसी को गाय गलमंड गलसंड या गलगंड रोग के नाम से भी जाना जाता है चलिए इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा ये है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है बहुत ही प्यारा प्रश्न है बिल्कुल बिल्कुल सरल सा प्रश्न है देखते हैं कितने लोग बता पाओगे हाँ, बिल्कुल बोलू जी आपकी बुक भिजवा दी जाएगी जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था जिन्हें धार में चाहिए खंडवा में चाहिए बड़वानी में चाहिए या जिन्हें रतलाम में चाहिए कुछ धर्मशाला से भी आए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिहार के भी अलग अलग गांव से आए सबको बुक भिजवा दी जाएगी आप टेंशन मत लो आज ही बैठकर मैं पूरी प्लानिंग कर लूंगा बुक पर नाम लिख दूंगा किसकी कहां पर भेजी जानी है और इंदौर वालों को मिल जाएगी चेतावत में यादव श्री स्टोर पर आपको मिल जाएगी भवरकुआ पर भी कॉल करना आपको सभी जगह बुक मिल जाएगी ठीक है हाँ सूर्या जी बुक आपको मिल जाएगी समय हो गया समाप्त कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है आज आठ बजे मुझे बुक लेने जाना है इसीलिए आज मैंने जल्दी क्लास ले ली है आपकी ठीक है रिप्लाई क्यों नहीं देते सर आज आप दे दूंगा मैं करण जी अभी थोड़ा बिजी था इसीलिए चलिए लगातार आंसर आ रहे हैं डी 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 चलिए सोनाली जी का आ चुका है शंभू जी का आ चुका है पूरनमल वर्मा जी का आ चुका है सर नीमच में भिजवा देंगे मोहिनी जी का आ गया सर छतरपुर में मिल जाएगी सभी जगह मिल जाएगी कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्त डी इटाई इटाई रोग कैडमियम अगर मान लो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जा रहा है मान लो आप चॉकलेट में भी कुछ समय बाद आपने देखा था एड इताई इताई रोग हो रहा था उसके कारण कैडमियम बढ़ गया था बहुत सारी चीज़ें जो खाने वाली हैं पानी है पानी में कैडमियम बढ़ गया तो इटाईटाई नामक रोग हो जाता है अगर पारा बढ़ जाता है तो पारा बढ़ने के कारण कौन सा रोग होगा कुछ लोगों ने मिनी माटा लगाया है मिनी माटा दोस्तों पारी की वृद्धि के कारण अगर मान लो कहीं पर पारा बढ़ जाता है और पारा पानी में चला जाता है और पानी को मछलियाँ या पारे को मछलियाँ खा लेती हैं और मछलियों को इंसान खा लेता है तो उसमें मिनीमाटा रोग हो जाएगा और जापान के मिनीमाटा में हुआ था इसीलिए इसे मिनीमाटा रोग बोला जाता है डिस्लैक्सिया ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है व्यक्ति की याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है और ब्लैक फुट रोग ये जानवरों में होता है जानवरों में होने वाला रोग है ये बैक्टीरिया वायरस से होने वाले रोग हैं ठीक है हाँ जिस जिसको बुक चाहिए मैं आज बुक लेकर आऊंगा शाम को पूरी की पूरी 500 बुक प्रिंट कराई है अपन ने 500 हंड्रेड बुक है तो जिनके भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनको देने के बाद जितनी बुक बचेंगी वो सब आप लोगों के लिए हैं टेंशन मत लो खत्म हो जाएंगी दोबारा प्रिंट करा लेंगे अपनी बुकें अपना पेटेंट हो चुका है कॉपी हो चुका है आप टेंशन मत लो बुक बहुत शानदार है कल आपको मिल जाएगी कल मैं लेक्चर में भी दिखाऊंगा सभी जगह मिल जाएगी ठीक है हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग बबीता जी चलिए साइंस का कोर्स परचेज करना है तो बहुत लोग जो लेक्चर देख रहे हैं इन लोगों ने भी परचेज कर रखा है इनसे आप पूछ लीजिए वैसे बिल्कुल सरल है आप एप्लीकेशन पर जाओगे वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा अभी दो सौ रुपये में मिल रहा है चलिए हाँ पहली वो का आपको ही भेज देंगे बिल्कुल चलिए तो इसका समय हुआ समाप्त चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है दोस्तों ये प्रश्न सीधे पेपर में पूछे जाते हैं और यही आपको पेपर में पास कराएंगे और यही मैंने बुक में चित्रात्मक रूप से डिटेलिंग करके बताएं आप एक बार देखना अगर आप खरीदो नहीं किताब तो अपने दोस्त की देखना जिसने खरीदी है आप देखना आपको मज़ा आएगा क्योंकि पूरे मार्केट में क्या पूरे भारत में अभी तक ऐसी किताब नहीं है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ हो और स्टूडेंट के हिसाब से हो सब ने अपने अपने हिसाब से दिया है तो मुझे मेहनत लगी है उसमें और बुक अच्छी है लगातार बी आंसर आ गया है भैया सावन रावत जी का मोहनी जी का आंसर आ गया है रश्मि रजक का राहुल का रोशनी सोनाली कैलाश सस्तिया भोलू हेमा राजीव सभी के लगातार आंसर आ रहे हैं बी 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 तो भाई इसका आंसर क्या होगा फल मीठे किसके कारण लगते हैं बी आपने देखा होगा आम खाते तो आम मीठा लगता है क्या कोई शक्कर डाल देता है उसमें ना वो नेचुरली मीठा होता है किसके कारण कार्बोहाइड्रेट के कारण कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा फ्रक्टोज फ्रक्टोज़ के कारण ही फल मीठे होते हैं इसीलिए इसे फलों की सरकराबी कहते हैं फलों की सरकराबी कहते हैं आपने देखा होगा शहद भी मीठा होता है तो शहद की सरकराबी किसे कहा जाता है शहद की सरकराबी फ्रक्टोज को ये दुनिया की सबसे मीठी सरकरा होती है सबसे मीठी पूरे दुनिया की अगर पेपर में पूछा जाए लेक्टोज तो लेकटोस के कारण दूध हल्का मीठा होता है तो इसे दूध की सरकरा कहते हैं ये पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है माल्टोज इसे बादाम आपको खाते हो तो बादाम मीठा लगता है तो माल्टोज को बादाम की सरकरा भी कहा जाता है बादाम की सरकरा किसे कहा जाता है माल्टोज को बादाम खाने से बुद्धि तेज होती है क्योंकि क्या होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है ऐसी क्रियाएं करने में मदद करता है जो कि रसायन को रिलीज करता है बादाम ना खाओ तो मूंगफली खा लो डेली चार पांच मूंगफली अगर आप डेली खाते हो तो वो बादाम का ही काम करती है तो टेंशन मत लो आप बस खाओ अच्छे से राइबोज ये राइबोज अलग हो जाएगा राइबोज इससे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है ठीक है राइबोज सरकरा आ जाएगी अपन देखेंगे पेंटो सरकरा राइबोज सरकरा डीएनए के अंदर क्लियर हो गया इतना हाँ हल्के यादव जी बिल्कुल आपका नाम लेंगे हाँ आपका नाम सब सबसे पहले लेते हो सिलेक्शन भी आपका सबसे पहले होगा मत मतलब अलके जी आपको अलके में नहीं लिया जाएगा पोमोलॉजी निम्न में किस से किससे संबंधित है पोमोलॉजी देखते हैं कितने लोग बता पाओगे समय निकल रहा है शिखा चौबे जी गुड इवनिंग बेटू लल्ला माल्टोज बादाम की शुगर बिल्कुल सही है करण सिंह मंडलोजी सर मैंने साइंस का कोर्स साइंस का कोर्स परचेज कर लिया है अब बुक चाहिए मुझे तो हाँ करण सिंह जी बुक मिल जाएगी आपको आज मैं बुक लेने जाऊंगा इसीलिए मैंने आज क्लास जल्दी ले ली है ठीक है जय जोहार जय जोहार जय जोहार रवि आदिवासी जी चलिए लगातार सी 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 आंसर आ रहे हैं समय की हो गई है समाप्ति देखते हैं क्या सी आंसर देने वाले लोग सही हैं कंप्यूटर जी दिखा दीजिए भूमोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित है तो आंसर आ जाएगा आपका सी पोमोलॉजी फलों से संबंधित होती है पोमो मतलब फल याद रखना पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फलों में और बुक में जब आप देखोगे बॉटनी बुक में जब बॉटनी वाला सेक्शन देखोगे तो उसमें अलग ही आपको पोमोलॉजी वाला सेक्शन दिखेगा सत्य फल क्या होते हैं असत्य फल क्या होते हैं सत्य और असत्य के अंदर भी अलग अलग वेराइटी हैं ये देखो इस प्रकार से चित्रात्मक रूप से बुक रहेगी ये तो कुछ पेज उन्होंने मुझे भेजे थे कि इस प्रकार ये तो कुछ नॉर्मल पेज भेजी उन्होंने इस प्रकार कलरफुल रहेगी आपकी इसमें अलग अलग प्रकार से आपको एक एक चीज़ें बताई गई हैं जब आप देखोगे तो आपको खुद मज़ा आएगा ठीक है पढ़ने में भी मज़ा आएगा किसी भी प्रकार से अपन उसमें कोताही नहीं बरती है बहुत प्यारी चीज़ आपके लिए आने वाली है टाइम टाइम क्लास का इसीलिए चेंज कर दिया है आज मुझे बुक लेने जाना है मतलब प्रिंट हो चुकी है बुक उठाने जाना है ताकि कल से आप लोगों को बुक में घर पर भेज सकूं और इंदौर में भी प्रोवाइड कर सकूं इसीलिए आज क्लास जल्दी कर लिए छुट्टी नहीं करी है मैंने ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है तो फूलों का अध्ययन किया जाता है बाकी ऊतकों की संरचना ध्यान से सुनना हम ऊतकों का अध्ययन किस में करते हैं हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं तो इतना आपको क्लियर हो गया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ना है यहां पर वर्गीस कुरियन को किसका पिता कहा जाता है वर्गीस कुरियन को किसका पिता कहा जाता है जल्दी से आंसर दीजिए हाँ सावन रावत जी कोई दिक्कत नहीं है आप अभी बुक कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है जितनी भी बुक एक्स्ट्रा बचेंगी तो मैं आज पूरी सबके नाम लिख के रख दूंगा और बाकी सब आपकी हैं माही जी आठ बजे का टाइम नहीं दिखाएगा चलिए नमस्कार बिल्कुल पिंकी अनारे जी नमस्कार समय हो गया आपका समाप्त तो देखते हैं आंसर सिखा जी का आंसर सी आ चुका है सावन रावत का सी आ चुका है राजीव का सी आ चुका है फ्रूटी का सी आ गया है सभी के सी, सी 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 आ रहे हैं हल्के का सी आ गया है राहुल का सी बर्गीज कुरियन बर्गीज कुरियन जी ध्यान रखना हमारे देश में इन्होंने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया है जो आप कंपनी देखते हो आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड अमूल अमूल के संस्थापक भी कौन है हमारे बर्गीज कुरियन जी हैं तो इनका संबंध किससे हो जाएगा श्वेत क्रांति से दुग्ध क्रांति से श्वेत मतलब सफेद दूध होता है तो याद रखना दूध की क्रांति से संबंधित यही है इन्होंने देखा यार कि एक बार ही गांव में जा रहे थे और गांव में एक जगह रुक गई है तो वहाँ पर देखा कि बेचारे किसान कहीं किसी स्ट्राइक की वजह से अपना दूध नहीं बेच पाए इनके पास सब साधन होते हुए भी उनका दूध खराब हो रहा था तब उन्होंने दिमाग लगाया हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी क्यों हम गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं तब उन्होंने पूरा का पूरा इस पर रिसर्च किया और कहीं ना कहीं उन्होंने डेयरी खोलना चालू करवा दिया अलग अलग प्रोडक्ट बनवाना चालू कर दिया उन्हें रखवाना चालू कर दिया जिसके कारण क्रांति आई क्रांति का मतलब होता है तेजी एकदम से उस चीज में बू माना वो क्रांति होती है तो इतना क्लियर हो गया हरित क्रांति आप सभी को पता है एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है और नॉर्मन बोल पूरे भारत में पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक पीली क्रांति किससे संबंधित है तो तिलहन से संबंधित है तिलहन और दलहन से आ जाएगी तो इतना क्लियर हो गया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे हाँ ज्योति सोनी जी नमस्ते नमस्ते चलिए पूरनमल वर्मा जी का आंसर भी सी आ चुका था अब देखते हैं कितने लोग बता पाओगे इसका आंसर समय आपके हाथों से निकलते जा रहा है जेल पैरी का क्वेश्चन है गुरुत्वीय नियतांक की ऐसा ही इकाई है जल्दी से बताइए एम ई बेटूल अल्लाह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसके बाद ध्यान से सुनना अनूप सर की भी क्लास रहेगी छः से सात मेरे बाद अनूप सर की क्लास रहेगी ध्यान रखना तो आप सभी लोग उनकी क्लास भी देखना एम लेकर आज आपके लिए हिस्ट्री लेकर आएंगे एम की बहुत बेहतरीन लगातार आंसर आ रहा है प्राची का ए आ गया है मोनी सिंह का सी आ गया है भूलू का सी आ गया है बी 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 अच्छा सी लगा दिया शिखा जी ने भी ओके जी यहां पर कैपिटल जी की बात कर रहे हैं स्मॉल जी की बात नहीं कर रहा कैपिटल जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल हो ग्रुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर किलोग्राम स्क्वायर तो जितने लोगों ने ए आंसर लगाया है वो बिल्कुल सही है बहुत लोगों ने गलत लगाया है चलो चेक करते हैं कैसे अब ध्यान से सुनना न्यूटन मीटर स्क्वायर ये सबसे पहले जी मतलब क्या जाएगा जी मतलब कैपिटल जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वा कर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा समान रहता है कभी भी बदलता नहीं है इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं अब इसके बारे में न्यूटन ने क्या बताया ये पेपर में गलत कर देंगे बहुत लोग और मुझे लग रहा है बहुत ने गलत भी कर दिया था याद रखना पेपर में पास होना है तो ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करना है तो इन्होंने क्या बोला गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल बल होता है जो दो पिंडों के दो पिंड मतलब कोई भी वस्तु उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है मान लो द्रव्यमान को क्या बोलेंगे मास वन एम वन इंटू एम टू दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती जबकि दूरी के वर्ग के वित्क्रमानु

और मीटर क्या है स्क्वायर है तो अगर यहां से अपन देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर अगर ये डंडा हटा देंगे तो माइनस लग जाएगा डंडा हटा देंगे तो माइनस लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला आपका आंसर हो जाएगा और जी का मान कभी बदलता नहीं है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर यही हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर क्लियर होगा इतना ओम्फो हाँ आज बुक का बनवा दिया वो वाला ओम्फो वाला देखा है क्या आपने चलो छोड़ो उसको बढ़िया अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने सोचा बनवा देते हैं बुक की प्राइस क्या है सर प्लीज़ बताइए रचना सिंह जी बुक अभी मिल रही है आपको मात्र टू फोर्टी नाइन में क्योंकि वो हमें ही पड़ रही है दो सौ में भेजना करने में आपका लग रहा है दो सौ में तो आपको दो मतलब लगभग ढाई की बुक पड़ रही है चित्रात्मक रूप में रहेगी आपको कल मैं बुक भी दिखाऊंगा और जल्द ही आपके यूट्यूब पर कंप्लीट बुक पढ़ाई जाएगी बुक आने के चार पाँच दिन में ही आपको कंप्लीट कोर्स पूरा ऐसा ही का बुक का एक एक पेज पढ़ाया जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी बुक को ले लीजिए ताकि आप बुक पढ़ना चालू कर दें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए ओके okay, चलो हाँ सबने देख लिया ना ओमपो वाला तो चलते हैं आगे ये रहा नेक्स्ट फेर हाइट पैमाना दो स्थिर बिंदुओं को कितनी भागों में विभाजित करता है ओम फो तो याद रखना ये बात क्या, क्या क्या करते रहते हैं लोग चलो यहाँ ध्यान देना ओके यहाँ सभी लोग ध्यान दो जल्दी से इसका आंसर दो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है और लोगों को क्या चाहिए आज के जमाने में मनोरंजन चाहिए चाहे तुम घिर्री घुमा रहे हो चाहे कच्चा बादाम हो सबको मनोरंजन चाहिए चलिए विनय प्रजापति जी मोहनी रचना सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखते हैं कितने लोगों का आंसर आएगा भोलू ओके बी आंसर आ गया मोनी जी का हल्के का आ गया 212 बहुत बढ़िया भोलू का भी 212 आ गया है फ्रूटी का ए आ गया है चलिए हमें बुक चाहिए सर कहाँ से भेजेंगे सब भेज देंगे आप तो आंसर दो अभी लगातार बी 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 बी, बी अलग अलग आ आंसर आ रहे हैं चलो ओके सभी के आंसर आ रहे हैं आप देखते हैं फेर पैमाना तो स्थिर बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है सबने लगा दिए बाद में मत बोलना कि ओ ये क्या हो गया सर पेपर में तो क्या पूछा था आया था जेल पैदी 2015 में तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 180 सौ अस्सी ओ माई गॉड सर हमने तो गलत कर दिया यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं तुमने क्वेश्चन सुना ही नहीं है अच्छे से जो फेर हाइट पैमाना होता है एक बिंदु ये होता है एक बिंदु ये होता है तो ये शुरुआत कितने से होता है ये बत्तीस से शुरुआत होता है खत्म कहां पर होता है 212 पर तो आपका हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा हिमाक बत्तीस और क्वनाक कितना हो जाएगा जिस पर उबलने लगेगा क्वनाक दो सौ बारह तो आपसे पूछा है पैमाना दो स्थिर बिंदु एक और दो के बिंदुओं को कितने भागों में विभाजित करता है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ सौ एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी कितने हो जाएंगे ये एक सौ अस्सी क्योंकि दो सौ बारह माइनस बत्तीस इजिकल टू बीच में आने वाले खाने ये पेपर में पूछा था जेल पैरी में और लोग गलत लगा कर आ गए थे एक सौ अस्सी हाँ मैंने सही करा था बहुत बढ़िया तन भी चलो चलो बिल्कुल सभी लोगों ने सही लगाया था बहुत बढ़िया लेकिन अब गड़बड़ मत करना नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे वही तो मेरा दिल तो 180 पे था बट इन लोगों को लोगों की मत सुनना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो दुनिया की बातों को और अपने काम में लग जाओ वही सबसे बढ़िया चीज है तुम तो अगर लोगों की सुन के गलत आंसर लगाओगे तो इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी मत देखो किसी का आंसर और खुद करते रहो चलो हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कितने लोग सही कर पाएंगे गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है न्यूटन के गति का नियम किसे परिभाषित करता है जल्दी आंसर दो आपके सामने प्रश्न है सारे के सारे हाँ गलत हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है हल्के जी देखते हैं ये कौन आंसर कर पाएगा ये किसका सही होने वाला है देखते हैं अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो पढ़ना चालू कर दो क्योंकि आपके एसआई SI की दोगे तो एसआई SI में सीधे पच्चीस नंबर का साइंस आता है पटवारी दोगे तो पंद्रह से 20 नंबर का साइंस आएगा जितने भी एग्जाम दोगे फॉरेस्ट गार्ड में एमपीपीएससी प्री में सब में साइंस आता है आप एस की तैयारी कर रहे हो रेलवे का निकाल दो आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ग्रुप डी का साइंस के बिना पास नहीं हो पाओगे और बेसिक है और साइंस बिल्कुल सरल होता है आपको ऐसे पढ़ाया नहीं गया या चीज़ें दिखाई नहीं गई तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें करने वाले हैं बस आप रुकिए थोड़ा और लगातार ए ए आंसर आ रहा है पिंकी का तन्वी का कैलाश का विनय का ए आंसर है तो भाई गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है सभी के आंसर आ गए ना बी हाँ राहुल जी ने भी आंसर दे दिया है सभी ने आंसर अब देखना सभी ने दे दिया अब रिजल्ट आने वाला है रिजल्ट चेक कर लो कंप्यूटर जी रिजल्ट दिखावे नहीं ये क्या हुआ अब फिर अब आप आप ओम फो करोगे ओम फो यार ओम फो ओम फो बार बार निकल रहा है आज मैंने बनवाया था ना तो अब आप क्या करोगे ओ ये क्या कर दिया सर ये आंसर कैसे हो सकता है सी आप विद्रोह करोगे हम नहीं मानेंगे सर ये तो गलत कर दिया व्यापम को ऐसा नहीं करना चाहिए अरे पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अच्छे से आपने पढ़ाई नहीं और आप बस चालू हो गए आप समझना इसको गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है तो सबसे पहले तो जड़त्व का नियम वो कहलाता ही कहलाता है लेकिन गति का पहला नियम बल को परिभाषित करता है कि जो वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहना चाहेगी वो अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करना चाहती बदलाव करना है तो धक्का देना पड़ेगा और धक्का ही बल होता है तो न्यूटन का पहला नियम ही बल और जड़त्व दोनों को दर्शाता है सेकेंड नियम बताता है संवेग को संवे का नियम होता है सेकंड जो क्या बताता है बल का परिमाण कितना बल लग रहा है और तीसरा बताता है दिशा को क्रिया की प्रतिक्रिया के बल कहां लग रहा है क्रिया की प्रतिक्रिया तो गलत मत कर देना इतना आपको आना जरूरी है बिल्कुल सरल सी चीजें थी क्या इतना क्लियर हो गया वो सर गलत हो गया गीतेश जायसवाल जी का कोई दिक्कत नहीं है हाँ कोई दिक्कत नहीं है चलो ओके नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हाँ एफ बराबर एम ए बेटू लल्ला ने बता दिया सेकंड नियम हो जाएगा वो फादर इक्वल टू मदर कैसे बनता है मैं आपको आगे बताऊंगा बताओ नाइन्थ क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों को डॉट 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 के कोण पर पड़ता है बताओ जल्दी बिल्कुल सरल है कोई गलत नहीं है चलो जल्दी से ध्यान दो यहाँ पर पढ़ाई पे हाँ बिल्कुल जॉब दे देंगे बकायदा चलिए देखते हैं कितने लोग लगा पाओगे बकायदा सभी का आंसर आना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए ये सीधा पूछ रहा है दो समतल दर्पणों को कितने डिग्री पर रखा जाए कि भैया पेरिस्कोप बन जाए तो लगातार आंसर आ रहा है भोलू का आंसर आ गया है सिखा का आंसर आ गया हल्के का भावना का जानवी का आ गया है फ्रूटी का रोशनी सिखा सभी के आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत लोगों के मुझे सही आंसर दिखाई दे रहे हैं

तो वो क्या करता है आगे ऐसे ऐसे एंगल बनाता है मतलब 45 डिग्री का कोण जब भी कोई धावक दौड़ता है तो वो भी क्या ऐसे दौड़ता है मतलब ऐसे खड़ा हो जाएगा 45 डिग्री के कोण पर क्योंकि 45 डिग्री का कोण सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला होता है तो इसका उपयोग कहीं कहीं पर कई जगह पर किया जाता है ठीक है चले आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन ये रहा आपकी स्क्रीन पर न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु है अब इसको गलत मत कर देना यार ये बहुत सरल प्रश्न है बस पढ़ो अच्छे से अच्छा विनय प्रजापति आप ड्यूटी पर हैं और क्लास ले रहे हैं अरे आज मैं बुक लेने जा रहा हूँ शाम को बुक लेने जाना है इस चक्कर में आज ये टाइम रख दिया बाकी आपका आठ बजे से ही रहेगा टेंशन मत लो चलिए ओके okay, देखते हैं हाँ आठ बजे ही रहेगी कोई दिक्कत नहीं है रचना सिंह जी ओके okay, सभी के आंसर आने लगे हैं लगातार हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्वीटी जी समय हो गया आपका समाप्त शिखा का आंसर आ गया वर्षा का आ गया सावन बोलू सभी के आंसर आ रहे हैं भावना ओके okay, कैला सस्तिया जी जानवी आकाश सभी के आंसर आ रहे हैं न्यूनतम प्रतिरोध वाली धातु कौन सी है तो सभी के आंसर बी 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 आ रहे हैं बहुत बढ़िया देखते हैं कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो और आंसर भी है बी रजत रजत मतलब होता है सिल्वर रजत मतलब क्या होता है सिल्वर सुना होगा आपने चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल अब सुनना ये सिल्वर जो चांदी है सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है जल्दी बताओ आप लोग सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस चीज़ से होता है देखते हैं उससे पहले मैं बता दूं आपका जो सोना जो न, सिल्वर है ये सबसे ज़्यादा विद्युत का शौचालक है विद्युत का सबसे ज़्यादा शौचालक होता है विद्युत का शौचालक अब भाई साहब जब सुचालक होगा सुचालक होगा तो प्रतिरोध भी कम होगा और यहाँ पर न्यूनतम प्रतिरोध पूछा है प्रतिरोध मतलब रोकना जब रोकेगा ही नहीं तो ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो गया हां अंडा आंसर आ गया है आकाश जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई यहाँ पर अंडा सिल्वर रिवोल्यूशन मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर जो भी क्रांति है रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है तो यहां ध्यान देना इतना क्लियर हो गया चलिए ओके चलो एक 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 सभी के आंसर आ गए यहां पर स्वर्ण क्या होता है आप सभी को पता है वही साहब जो आपका गोल्ड होता है गोल्ड को क्या बोला जाता है ये सबसे ज्यादा ये बिल्कुल भी क्या होता है क्रिया नहीं करता है इसीलिए इसे राजा धातु भी बोला जाता है राजा याद रखना राजा है धातुओं का अगर पूछा जाए आपसे स्वर्ण तो दिखने लगाना ओके चलिए इतना क्लियर हो गया अब आगे बढ़ते हैं आप आगे देख लेते हैं ओके सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी थी तांबा थी आपकी ताम्र हो जाएगी ठीक है चलते हैं ओके सभी का इतना क्लियर हो चुका है नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है बहुत प्यारा प्रश्न है रात्रिचर पक्षी कौन सा है रोई है दिल भी तिर प्यार नरो है लगातार हां बोलू राजा धातु बिल्कुल क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता है सोना सोना है सोना कितना सोना है याद रखना क्योंकि जहां पढ़िया रहेगा वहां सोना ही सोना रहेगा चाहे उसे कहीं भी डाल दो तीन दो एक आप सभी का समय हो चुका है समाप्त लगातार आंसर आ रहा है ज्योति सोनी जी का उल्लू आ चुका है रेशमा का है उल्लू सभी के उल्लू 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 लेकिन किसी का डी 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 भी आंसर आ रहा है चलिए बहुत बढ़िया लगातार डी 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 आंसर भी दिख रहे हैं तो यहां पर रात्रिचर पक्षी का पूछा है जो कि रात्रि में ही गमन करता है रात्रि के नाम मतलब रात्रि में ही उसकी आंखें एक्टिव होती हैं तो यहां पर आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ए उल्लू उल्लू आंसर आ जाएगा याद रखना यहां पर चमगादड़ नहीं आएगा चमगादड़ क्या करता है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके वो अंधेरे में काम करता है रात्रि की जरूरत नहीं है वो अंधेरे में ही काम करेगा पराश्रव्य तरंगों के द्वारा लेकिन उल्लू रात्रिचर प्राणियों में आता है कि भाई ये दिन में निकलेगा ही नहीं रात में ही निकलेगा क्योंकि उल्लू की आंखों में छड़ों की संख्या ज्यादा रहती है और छड़ों से पदार्थ निकलता है जो क्या काम करता है रात्रि में देखने में मदद करता है तो उल्लू अपनी गर्दन को तीन डिग्री भी घुमा सकता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन वालों से पूछो कि गर्दन तीन डिग्री उल्लू ने घुमाई थी कि नहीं एक एक चीज वीडियो के माध्यम से मैं आपको एप्लीकेशन पर दिखाता हूं ठीक है लाइव चलती है नौ से दस तो इतना क्लियर हो गया गलत मत कर देना आगे नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है बारवा प्रश्न एंगस्ट्रम बराबर होता है एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है बताइए जल्दी से हाँ तरंग बैट ओके बेटू लल्ला अशोक ने उल्लू भेज दिए बहुत सारे जल्दी से आंसर दीजिए समय निकलते जा रहा है समय हाथों से निकला जाए और समय निकल गया चार तीन दो एक आप सभी का समय होता है समाप्त लाइन से आंसर आने लगे बहुत बढ़िया प्रदर्शन बहुत बढ़िया प्रदर्शन लगातार बी सी 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 आंसर आ रहे हैं प्राची का सी आ गया वर्षा का सी राहुल का सी चलो शिखा का सी सभी के मुझे अधिकतर सी 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 आंसर दिखाई दे रहे हैं अरविंद कुमार का सी आ गया जानवी मोरी का सी आ गया सीला वासके जी का आ गया भाई सी सी तो लग रहा है देखो कंप्यूटर जी बता दो सही आंसर क्या है तो एंगस्टर्म बराबर होता है दस की घात माइनस दस मीटर तो याद रखना दस की घात माइनस दस अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि एंगस्ट्रम का उपयोग कहाँ पर किया जाता है तो आप बोल दोगे कि भाई जो परमाणु रहता है ना परमाणु की त्रिज्या को नापने के लिए हम एंगस्ट्रम का उपयोग करते हैं और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रम में मापी जाती है लेकिन परमाणु का जो नाभिक रहता है नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है तो ये फर्मी में मापी जाती है और फर्मी क्या होता है दस की घात माइनस याद रखना इतना छोटा हिस्सा होता है मीटर का तो इतना क्लियर हो गया सभी को एंगस्टम दस की घात माइनस दस और ये हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए नैनो नैनो मतलब दस की घात माइनस नौ हो जाएगा इतना क्लियर हो गया क्लियर हो गया ओके टाइम चेंज नहीं किया संध्या श्रीवास्तव जी आज बुक लेने जाना है साइंस की बुक आ चुकी है आपकी प्रिंट हो चुकी है बुक्स तो सबको कल से डिलीवरी करना है बुक की तो आज बुक लेकर आना उन्होंने टाइम दिया मुझे आठ बजे का और मैं क्लास लेता तो लेट हो जाता तो आज मैंने क्लास आपकी बंद ना करने की वजह मेरी यही थी कि क्लास बंद ना की जाए आपका टाइम चेंज करके ले लेता हूं मैं आप लोग बाद में भी देख सकते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कितने लोग बता पाओगे भाई साहब बहुत सरल प्रश्न आ रहा है बहुत प्यारा प्रश्न है और कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है देखते हैं कौन कितने जो मर्दानगी में आ चुके हैं हमारे लड़के लड़कियां वो इसका आंसर देंगे मर्दानगी मतलब लड़कियों में भी रहता है ऐसी बात नहीं है अब वो आंसर गलत क्या लगाएंगे देखते हैं देखते हैं मैं देख रहा हूं कौन गलत लगाएगा भाई साहब ये आप इस अवस्था में अब आ चुके हैं दाढ़ी मूछ चौड़े कंधे भारी आवाज सभी द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं किसके होते हैं अब बताओ जल्दी से आंसर हाँ हाँ स्वीटी जी बकायदा बुक आज लेने जा रहा हूँ मैं आज रूम पर इकट्ठी हो जाएंगी मैं बकायदा शॉर्ट्स बना के डालूंगा बढ़िया बुक के साथ में आप लोग देखना और कल से मैं यहाँ क्लास में भी बुक दिखाऊंगा लगातार आंसर आ रहा है डी 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 डी, डी बी 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 पुष्पा मेहरा जानवी मोरी तनवी सभी के आंसर आने लगे हैं हाँ लगातार बी 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 किसी का डी बी आ रहा है पल्लव गोयल जी का बी आ चुका है तो आंसर कंप्यूटर जी क्या आंसर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी याद रखना बी आंसर होगा वयस्क लड़के के अंदर लड़की के अंदर चौड़े छाती नहीं होगी लड़की के अंदर क्या हो जाएगा उसकी शारीरिक संरचना का विकास होने लगेगा फिगर मेंटेन होने लगेगा स्तन ग्रंथियों का विकास होगा हिप्स बाहर निकलने लगेंगी मतलब उसका अलग आकार होगा लड़के में चौड़ी छाती हो जाएगी सीना फूलने लगेगा साथ ही साथ दाढ़ी मूछे आने लगेंगी आवाज़ भारी हो जाएगी तो ये सभी एक वयस्क लड़के में होते हैं वयस्क का मतलब होता है वो एटीन प्लस का होने लगा है जबकि किशोर मतलब वो टीन एज में है टीन मतलब वो थर्टीन में है अभी याद रखना तो ये गड़बड़ मत कर देना पेपर में बी बी ठीक है हाँ गलत मत कर देना पेपर में वयस्क होगा यहाँ पर अडल्ट वयस्क मतलब अडल्ट होता है किशोर मतलब टीनेज हो जाएगा वो टीनेज एज में मतलब थर्टीन में है क्लियर हो गया इतना चलो अब चलते हैं हाँ चलते हैं नेक्स्ट पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर निम्न में से क्या शोल्डर का मिश्र धातु है शोल्डर मतलब होता है टाका टाका और आपने आज सभी ने देख लिया होगा व्हाट्सएप पे ओमफो वाला पोस्टर देखो मैं बढ़िया कल से पोस्टर डाला करूंगा आप लोग शेयर किया करो यार देखो आप व्हाट्सएप तो चलाते हो गए तो व्हाट्सएप पे आप डालोगे तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखना चालू कर दिया तो मैं आपके लिए मुफ्त में पूरी की पूरी साइंस की किताब यूट्यूब पर चालू कर दूंगा तीन से चार पाँच दिन के अंदर तो आप बुक भी आपके पास होगी आपको अंडरलाइन करना है बाकी मैं पूरी चीज़ें यहाँ पर लाइन से आपको पढ़ाऊंगा एम पी एस आई ओ पटवारी एस एस सी ओ जितने भी एग्जाम है एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा मैंने इतने रिसर्च के द्वारा उसको तैयार किया है आपको पूरे मार्केट में बुक नहीं मिलेगी उसके जैसी चलिए साथ ही साथ पढ़ाऊंगा अभी मैं चलिए लगातार आंसर आ रहे हैं ए सी 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 चलिए पूजा कुशवा जी का आंसर आ गया मोहनी जी का आंसर आ गया संध्या ज्योति अशोक सभी के आंसर लगातार आ रहे हैं तो निम्न में से क्या सोल्डर का मिश्र धातु है सोल्डर मतलब टाका तो ये बनता है लेड और टिन से तो इसका आंसर हो जाएगा ए जितने ने भी ए आंसर लगाया भाई साहब एक नंबर एक नंबर ले लो बहुत सही आंसर दिया है हाँ ओके लगातार ए देखो जो सोल्डर होता है ना सोल्डर मतलब टाका आपने देखा होगा आपका मोबाइल में कभी कुछ खराब हो जाता है तो वो टाका लगाता है एकदम ताल लेता है और ऐसे जलाता है उसे उसको बोलते हैं सोल्डर याद रखना शोल्डर खुला बिंदु सोल्डर में याद रखना लेड और टिन आ जाएगा आपका लेड और टिन आंसर है इतना क्लियर हो गया चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर ये रहा आपकी स्क्रीन पर सार्वग्राही रक्त समूह कौन सा है ये तो बच्चा बच्चा बता देगा पेपर में ऐसे ही प्रश्न आते हैं सीधे साइंस में पच्चीस प्रश्न देखेंगे आपको एस SI में पटवारी में पंद्रह देखेंगे अलग अलग एग्जाम में अलग अलग प्रश्न आते हैं और बेटे साइंस का बढ़ता जा रहा है हर एग्जाम में साइंस आता है तो आप तगड़ा कर लो अभी से पेपर से पहले पूरी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ ही साथ ऐसे प्रश्न सीधे आते हैं और आप गलत कर देते हो देखते हैं कितने लोग कर पाओगे पाँच चार तीन दो एक आपका समय होता है दोस्तों समाप्त अरे टाइम चेंज इसलिए किया है मैंने आज बुक लेने जा रहा हूँ साइंस की बुक आने वाली है आप लोगों की कल से बुक प्रोवाइड होना चालू हो जाएगी जिसको जहाँ चाहिए वहाँ बुक मिल जाएगी जितने रजिस्ट्रेशन है पहले वहाँ पहुँचा दी जाएगी उसके बाद में सारी बुक आप लोगों की है लगातार आंसर आने लगे हैं सी 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 सी, सी। चलिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है तो इसका आंसर आएगा ग्राही मतलब रिसीप्टर तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सी मतलब ए बी क्या हो जाएगा सार्वग्राही है ये सबका रक्त ले सकता है तो ए बी वाला सार्वग्राही में आ जाएगा अगर इसमें पॉजिटिव 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 और होता होता तो ए ए बी बी क्या होता है सार्वदाता ये सभी को दे सकता है यूनिवर्सल डोनर होता है कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसे कौन सा रक्त देंगे हमें अगर हमें पता नहीं है तो तो हम उसे ओ नेगेटिव दे देंगे क्योंकि ये सबको दिया जा सकता है लेकिन ले कौन सकता है सबका ए ले सकता है सबका रक्त समूह क्लियर हो गया ओके सभी का आंसर सही आ गया है मोहनी सिंह ने भी बता दिया ए बी पल्लव ने सी बता दिया चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न मलेरिया को किस औषधि से उपचारित किया जा सकता है बहुत प्यारा प्रश्न मलेरिया बहुत बढ़िया काजल चलिए जल्दी आंसर दो जब तक मैं पानी पीता हूं संध्या श्रीवास्तव जी अब क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर आपको दो दिन कराया करूँगा शुक्र और शनिवार को बाकी सोम मंगल बुद्ध और गुरु को पूरी जो बुक पढ़ा बुक है उसको पढ़ाया करूंगा यहाँ पर मैं ताकि आपके पेपर में थ्योरी भी आपकी तैयार हो जाए पूरा साइंस मैंने बोला था आपसे मैं पढ़ाऊंगा तो बस मैं चालू करने वाला हूँ तो चार दिन साइंस पढ़ेंगे दो दिन क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ठीक है टाइम वही रहेगा लगातार डी 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 आंसर आ रहा है ओके okay, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मलेरिया की औषधि प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ से सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से सिनकोना जो पेड़ होता है दोस्तों उसकी छाल से क्या होता है हमें मलेरिया की औषधि प्राप्त होती है और ये मलेरिया किससे होने वाला रोग है तो प्रोटोजोआ से होता है प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है तो आप बोल दोगे सर वाहक कौन होता है मादा एना नामक मच्छर मादा एना फिनीज नामक मच्छर होता है ये मादा एना के बारे में किसने पता लगाया तो आप बोल दो के रोनाल्ड रॉस ने मद्रास के रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया कि मादा एना फिनीज मच्छर में एक प्रोटोजोआ रहता है और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स क्या नाम हो जाएगा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक ये याद रखना ये आपके पेपर में आपको पास कराएगा एक एक चीजें आपको पास कराएंगी तो प्लाज्मोडियम बाईवेक्स इतना क्लियर हो गया हम्म बहुत बढ़िया मादा फ्री सबने बता दिया है ओके हाँ अब यहाँ ध्यान दो जल्दी से पढ़ाई पर इतना क्लियर हो गया मलेरिया नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखते हैं कितने लोग बता पाओगे निम्न में से कौन से पद का अर्थ दर्द निवारक होता है जेल प्रेरी 2015 में पूछा गया प्रश्न और लगातार आपके लिए वैकेंसी आने वाली है क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि चुनाव की संभावना और इस बार देना जरूरी है सरकार को क्योंकि लंबे समय से उन्होंने निकाले नहीं है तो लगातार भर्तियों की बात की जा रही है और आप तैयार रहिए पहले से ही हाँ बहुत बढ़िया बेटू अल्लाह जी बिल्कुल सही दिया है अनिकेत राय बहुत बढ़िया चलिए अनिकेत जी मैं देखता रहता हूँ जब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी कुछ क्वेश्चन डालता हूँ डेली तो आप उनके आंसर सबसे पहले देते हो बहुत बढ़िया आप लोग भी जितने देख रहे हो मैं करंट से संबंधित यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर डालता हूँ तो आप उसको आंसर देने की कोशिश किया करो ताकि करंट भी तैयार हो जाए चलिए समय हो गया समाप्त लगातार बी आंसर आ रहा है माधुरी बोर जी का बी आ चुका है बेटू अल्लाह चले सभी के आंसर आ रहे हैं पूजा का आंसर आ गया बोलू का ओके okay, उड़ा देते हैं हेमलता दांगी जी कंचन ज्योति मोहिनी श्री श्रवण चले सभी के आंसर आने लगे हैं स्वयं रावत निम्न में से कौन से पद का अर्थ दर्द निवारक होता है मतलब हमारे दर्द को खींच लेता है वो कौन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनाल जेसिक एनाल जैसिक दवाइयाँ जितनी भी रहती हैं आपने देखा होगा कि डिस्प्रिन खा लो हमारे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा डाइकोफ्लिन खा लो तो जानवरों का दर्द ठीक हो जाएगा जो जानवरों में दर्द होता है जिसके कारण गिद्ध की मौत हो रही है याद रखना तो यहाँ पर एनाल जैसिक जो रहती हैं वो दर्द नासी होती हैं अगर आपसे पूछे एंटीपायरेटिक तो ये ज्वर नासी होती हैं ज्वर नासी ज्वर नासी मतलब ये बुखार को ठीक कर देती है पेपर का बहुत फेवरेट है पीएससी प्री वाले भी ध्यान से सुनना है इसको ये बहुत प्यारा प्रश्न है बुखार को ठीक कर देती है बुखार को ठीक पैरासीटामोल वगैरह आपने देखा होगा आपने देखा होगा एंटीबायोटिक ये प्रतिजैविक होती है प्रतिजैविक मतलब कटे फटे अंगों को ठीक कर देती हैं प्रतिजैविक मतलब बैक्टीरिया से सुरक्षा करती हैं एक प्रतिजैविक जो सबसे पहले बनाया था पेनिसिलिन किसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो याद रखना इतना कोई गलत मत कर देना बिल्कुल सरल है और अगर आप भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो नहीं तो आज ओम फो किया जाएगा जल्दी से लाइक करो जितने लोगों ने नहीं किया क्योंकि आपके लिए सोचो मैं लेकर आया हूं क्लास में चाहता तो यार मैं सोचता बुक ले आऊं लेकिन मैंने सोचा यार क्लास नहीं छोड़ेंगे हम बुक तो ले ही आएंगे तो आप जल्दी से लाइक करो जितने लोग देख रहे हैं और मैं क्या बोलूंगा जैसे ही मैं वो डालता हूं ना बढ़िया मीम बनवाए मैंने अच्छे अच्छे तो यार आप लोग भी आपके व्हाट्सएप पर डाल दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो कल से मैं जो भी डालूंगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा तो आप लोग भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और मज़ा भी आएगा ठीक है चलिए तो देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा निम्न में से किसका एक ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है बहुत ही भयंकर और बहुत प्यारा प्रश्न है देखते हैं कितने लोग बता पाओगे हाँ ओम फो लाइक करो बहुत बढ़िया हाँ। क्या चलाया है वो मैं देख रहा हूँ मैं भी देख के मैंने कहा यार चलो अब लोग मज़े ले रहे हैं तो अपन भी डाल दो मैंने तो सबसे पहले कर दिया पिंकी अनारे जी बहुत बहुत धन्यवाद जो भी करेगा मैं क्या करूँगा उनका स्क्रीन शॉट लेके मैं भी उस पर डाल दिया करूँगा ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन ने डाला है ठीक है तो आप सभी लोग व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइए लगातार सी 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 ए आंसर आ रहा है भाई अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर नुपुर पारासर जी का सी आ चुका है रोशनी नायक का बी आ गया है रावत जी का सी चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर रश्मि रजक निम्न में से कौन एक ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा देता है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा पूछा है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी वसा फैट क्योंकि वसा एक ग्राम में कितनी ऊर्जा देता है नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी ऊर्जा को किसमें मापते हैं किलो कैलोरी में तो एक ग्राम प्रति ग्राम नाइन पॉइंट थ्री किलो कैलोरी ऊर्जा देता है जबकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन देगा तो कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम में कितनी देता है फोर पॉइंट टू किलो कैलोरी ऊर्जा देता है फोर पॉइंट टू किलो कैलोरी ऊर्जा देगा अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन तो कितना है? एक ग्राम में कितना देगा सबसे लास्ट में फोर पॉइंट वन किलो कैलोरी याद रखना हार्मोन्स नो एनर्जी कोई भी एनर्जी नहीं देता नो no एनर्जी किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है हार्मोन तो इतना याद रखना इसको गलत मत कर देना बिल्कुल सरल है मेरा गलत हो गया भोलू कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन गलत कर दिया अब तुम मैं क्या करूँगा पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से एक एक चीज़ को अंडरलाइन करते चलना किताब में देखते चलना पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा बसलते आप लोग अच्छे से पढ़ना क्योंकि पेपर से पहले मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा यूट्यूब पर ही याद रखना क्योंकि जो एप्लीकेशन पर चल रहा है वो तो चल ही रहा है वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री भी चलेगी आपके लिए यहाँ पर मैं सीधा एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर चलाऊंगा बुक के हिसाब से ठीक है ताकि आपका पेपर से पहले सब कवर हो जाए नेक्स्ट पर चलते हैं ये रहा नेक्स्ट प्रश्न ये गलत नहीं होना चाहिए ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपके एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर भी मैंने एक वीडियो डाला है जंतु जगत का वर्गीकरण जिसमें मैंने ये बताया है एम पी में पूछा गया प्रश्न है चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सबके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से आंसर दो त्वचा तो अच्छा पर श्वेत ग्रंथियां उपस्थित होती हैं आंसर आ चुका है सबसे पहले ज्योति का ए आ गया है राहुल का सी आ गया है कंचन का ए आ गया है नुपुर का ए आ गया है सभी के ए आ रहे हैं प्राची का ए आ चुका है बैटरी लुपजुप कर रही है अभी बैटरी चेंज कर दी जाएगी टेंशन लो

इस प्रकार से बनाई जाती है ताकि वो बच्चे को दुग्ध पिला सके तो याद रखना पुरुष और महिला दोनों ही स्तनधारी में आएंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका स्तनधारी तो त्वचा में स्वेद ग्रंथियां उपस्थित होती है स्तनधारी के मेमल्स के होती है इतना क्लियर हुआ नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाओगे क्वेश्चन नंबर बीस निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है पैरामेडिकल में पूछा गया प्रश्न है बहुत प्यारा प्रश्न है पीएससी प्री में पूछा जा सकता है हाँ बैटरी लुप लुप कर रही है बिल्कुल बैटरी की लुप लुप को अभी बंद कर दी जाएगी बस बैटरी एक और चार्ज हो गई है हाँ कोई दिक्कत नहीं है राहुल ये आंसर आएगा इसका समय निकलते जा रहा है तीन दो एक समय आपका होता है समाप्त देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाओगे लगातार सभी लोग आंसर देना चालू कर दिए जब तक आपके आंसर आ रहा है मैं बैटरी चेंज कर दूं जब तक आपके आंसर आ रहा है मैं बैटरी चेंज कर रहा हूं एक मिनट रुकना बस निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है आहार श्रृंखला का आप जानते हो ना सबसे पहले एक जो जिसको खाएगा दूसरा उसको खाएगा तीसरा उसको खाएगा इस प्रकार से आहार श्रृंखला आगे बढ़ती है अब कौन किसको खाएगा वो जल्दी बताओ मैं आ रहा हूँ एक मिनट में लौट के इसको मैंने लगा दिया है बकायदा आपकी बैटरी लग चुकी है और ये हो चुका है स्टार्ट दिखाई देगा अब आपको ओके चलिए तो अब ध्यान से सुनना है इसको चार्ज पे लगा दें हाँ तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हाँ चलो जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया घास बकरा मानव बिल्कुल सही है बकरा घास को बकरा खाता है बकरे को मानव खाता है इसका आंसर हो जाएगा बी क्योंकि घास को गेहूँ नहीं खाता और आम को गेहूँ नहीं खाता बकरा गाय बकरे को नहीं खाती मछली घास नहीं खाती है तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बी कौन किसको खाता है इसके आधार पर आहार श्रृंखला डिसाइड होती है चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है वह कहलाता है एम पी एस आई दो हजार सत्रह का क्वेश्चन है बहुत प्यारा प्रश्न है देखते हैं कितने लोग बता पाओगे सर बुक के लिए सर बुक की बुक का क्या आज बुक आ जाएगी शाम को आठ बजे में बुक लेने जा रहा हूँ बुक आ जाएगी कल से बुक सभी जगह पहुंच जाएगी बुक आपको मिल जाएगी चितावत में यादव श्री बुक स्टॉल पर आप जाइए कल से ही आपको यादव श्री पे चितावत में मिल जाएगी इंदौर में हमें कॉल करिए इंदौर में आपको किसी भी जगह मिल जाएगी अगर बाहर कुरियर करना है तो कुरियर कर दिया जाएगा कल चलिए लगातार आंसर आ रहा है ए ए रेशमा माली जी का बी आ गया पूजा का भोलू का कंचन सालनी श्रवण सभी के आंसर आ गए समय हो गया समाप्त लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी चुंबक अपने चुंबकत्व का गुण खो देती है चुंबक चिपकना ही बंद हो जाती है वो तापमान होता है क्यूरी तापमान आंसर ए जिस जिसने ए आंसर लगाया है वो बधाई के पात्र हैं क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर कोई भी चुंबक चिपकना बंद कर देती है याद रखना तो इसका आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है धोने के सोड़े का रासायनिक सूत्र अरे बच्चा बच्चा धो देगा यहाँ पर आंसर जल्दी से बताओ इसको गलत मत कर देना नहीं तो आपको पाप लगेगा आज तो जल्दी से बताओ देखते हैं कितने लोग इसका आंसर लगा पाओगे समय निकलते जा रहा है बारह ग्यारह दस नौ अच्छा गलत हो गया था कोई दिक्कत नहीं है चलिए लगातार आंसर आने लगे हैं बी हाँ धार में भेज दी जाएगी पिंकी अनारी जी धार के चार पांच लोग हो चुके हैं धार को एक बस पे रख देंगे धार वाली बुक बस पे अगर आप धार में हैं तो बस से अगर उठा सकते हो तो अच्छी बात है नहीं तो कोरियर कर देंगे जैसा आपको अच्छा लगे लगातार सी 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 आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया अब देखते हैं पेपर में आप सी लगा के आओगे और पेपर में क्या होगा तो धोने के सोड़े का रासायनिक सूत्र क्या है कंप्यूटर जी आंसर दिखाओ इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट आपने लगा दिया बाई तो जितने सी सी वाले हैं वो भाई साहब दिक्कत में आ जाएंगे जितने दिक्कत वाले सी वाले हैं दिक्कत में आएंगे क्यों क्योंकि ये है सोडियम बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट और बाई मतलब क्या हो जाएगा बेकिंग बेकिंग मतलब बेकरी बेकिंग मतलब बेकरी तो ये बेकरी मतलब खाना तो ये खाने वाला है खाने में उपयोग करने वाला हो जाएगा आपका कौन सा ये वाला लेकिन धोने का पूछा है धोना मतलब कपड़े धोना तो कपड़े धोना मतलब सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एस टू ओ तो ये आपको पता होना चाहिए गलत मत कर देना ये एन ए ओ एस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कास्टिक सोडा होता है कास्टिक सोडा इसका उपयोग भी घरों में करते हैं कास्टिक सोडा होता है चीज़ों को फुलाने में करते हैं प्लास्टिक सोडा और जो आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा आपका बुझा चूना हो जाएगा बुझा चूना हो जाएगा याद रखना क्लियर किसी ने गलत तो नहीं किया था ना आप चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपकी स्किन पर आ गया यार तेईसवा प्रश्न विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है ये तो बच्चा बच्चा बता देगा यार एप भी ऐसा दो हजार सत्रह में पूछा गया प्रश्न था दोस्त ऐसे ही प्रश्न पूछता है जो लोग बाद में देखें बाद में देखने वाले भी लोग लाइक कर देना और कल आपके लिए किताब आ जाएगी तो आपको मज़ा आ जाएगा और किताब जल्दी ही मैं पढ़ाना चालू करूंगा आपके यूट्यूब पर तो आप किताब पढ़ भी सकते हैं हाँ रसगुल्ले में डालते हैं फुलाने के लिए बहुत बढ़िया बोलू बड़ा कर रहा है एक्सपीरियंस है तुम्हें तो चलिए लगातार आंसर आ रहे हैं समय आपका समाप्त हो चुका है डी आ चुका है प्राची जी का रेशमा माली जी का डी आ गया रोशनी नपुर सभी के डी डी दिख रहे हैं ज्योति डी आंसर बहुत बढ़िया अशोक अरविंद भोलू स्वीटी सभी के डी, डी डी आंसर आ रहे हैं तो भैया यहाँ पर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा कंप्यूटर जी डी रात्रि अंधता इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है पेपर में पूछ लेगा विटामिन ए का नाम क्या होता है रेटिनॉल क्या नाम होता है रेटिनॉल रेटिनॉल मतलब रेटिना से संबंधित है आंखों से संबंधित है इसी को बोलते हैं निशांधता निशांधता रात्रि में निशा में अंधता हो जाती है निशांधता के बाद में इसको बोलते हैं नेक्टालोपिया नेक्टालोपिया इसी को क्या बोला जाता है नेक्टा पीनिया क्या खाएं तो गाजर खा लो भैया गाजर गाजर हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे बहुत बढ़िया नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं ये रहा चौबीसवा प्रश्न गोताखोर अपने साथ सिलेंडर में किस गैस को लेकर जाता है बहुत प्यारा प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन के बाद में फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी अनूप सर की मेरे बाद अनूप सर की क्लास रहेगी बहुत बढ़िया गोताखोर अपने साथ सिलेंडरों में किस गैस को लेकर जाता है देखते हैं आंसर आ रहे हैं जित कितने लोगों के आंसर आ पाएंगे समय निकल रहा है सात छः पाँच चार हाँ प्रियंका यादव जी आठ बजे से होती है आज मुझे बुक लेने जाना है बुक प्रिंट हो चुकी है आपकी थ्री में बुक आने वाली है मज़ा आने वाला है आई एम एक्साइटेड तो जल्द ही कल आपको बुक दिखाई जाएगी कैसी दिखेगी वो क्या होगा और आप व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए समय हो गया समाप्त लगातार सी 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 आंसर आ रहा है चलिए सी 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 सभी के आंसर आ रहा है तो देखते हैं इसका आंसर दोस्त गोताखोर अपने साथ में क्या लेकर जाता है ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस हीलियम अक्रिय गैस होती है वो जल्दी से क्रिया नहीं करती है और क्रिया नहीं करती है तो क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में गोताखोर अपने साथ भरकर लेकर चला जाता है इतना क्लियर हो गया क्रिया नहीं करती हमारे रक्त के साथ में तपस्या चतुर्वेदी जी का भी आ चुका था अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों में दांतों कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं जल्दी से आंसर दीजिए समय आपका निकलते जा रहा है मोहनी सिंह जी का आंसर सी आ गया था बहुत बढ़िया चलिए अब इसका आंसर दो जल्दी से समय निकल रहा है तेरह बारह ग्यारह समय हाथों से निकला जाए और ये समय बर्बाद कर दिया तो दिक्कत ही दिक्कत है दोस्त कितने की है बुक ढाई सौ रुपये की है दो सौ उनचास रुपये की है वैसे तो तीन सौ रुपये दो सौ निन्यानवे रेट डली है उस पर लेकिन फ्लैट कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको दो सौ उनचास मतलब ढाई सौ रुपये में मिलेगी और दोस्त अगर आप फोटो कॉपी करवाने जाओगे तो दो सौ चौबीस पेज हैं उसमें और हर एक पेज कलरफुल है और चित्रात्मक रूप से बनाई गई है बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने को दिया है मतलब आपको मजा आ जाएगा आप अपने ना खरीदो तो अपने दोस्त की बुक देखना आपको मजा आएगा पढ़ो आप तो कहीं से पढ़ो चलिए लगातार आंसर आ रहा है डी और मैं पूरी बुक यहीं पढ़ाऊंगा अच्छी बात यह है लगातार आपका आंसर आ रहा है और समय हो चुका है समाप्त बच्चों में कौन से दांत नहीं होते है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अग्र चवर्णक प्रीमूलर बच्चों में नहीं होते हैं आपने देखा होगा बच्चों में दूध के दांत पाए जाते हैं बच्चों में कितने होते हैं दूध के दांत बीस बड़ों में कितने होते हैं बत्तीस बच्चों में कितने होते हैं टू वन जीरो टू बड़ों में टू वन टू थ्री तो यहाँ पर जो जीरो है वो क्या है आ जाएगा आपका क्रंतक आ जाएगा रदनक कहाँ चला गया लंबा चला गया रदनक आ जाएगा रदनक आ जाएगा आपका अग्र चवर्णक अग्र चवर्णक मतलब जीरो तो ये नहीं पाए जाते बाकी सभी में ये पाए जाते हैं इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला दंत सूत्र होता है ये अस्थाई दांतों का ये अस्थायी दांतों का दंत सूत्र होता है इतना क्लियर हो गया हाँ बकायदा कुरियर कर दिया जाएगा आप टेंशन मत लीजिए देखो अगर आप इंदौर में हैं तो बुक आपको इंदौर में इजीली कल मिल जाएगी अगर बाहर हैं तो मैं कल रख दूंगा अगर आपने कल ही कल बता दिया मुझे ठीक है अगर आप आसपास हैं तो बस पे रख दिया जाएगा नहीं तो कुरियर में कितना खर्चा आएगा ये मैं पूछ लूँगा उनसे ठीक है अगर आपके दोस्त अगर इंदौर में रहते हैं तो आप उनको भी बुक लेने के लिए बोल सकते हैं चलिए इतना आपका समय हो चुका है अब समाप्त तोनुब सर की क्लास रहेगी दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डेली मेरी नौ से दस क्लास लगती है उसमें फ़िजिक्स और केमिस्ट्री भी चालू होने वाला है अभी बायोलॉजी चल रहा है और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी मैं लगातार लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ बुक के बाद में जैसी बुक ले लेंगे तो आपको पूरी बुक पढ़ाई जाएगी टू द पॉइंट हर एक चैप्टर वाइज तो आपके मजे ही मजे हैं चलिए ठीक है हाँ प्रियंका यादव जी जिनको भी बुक मंगाना है आप बकायदा क्या कर सकते हैं इस नंबर पर जो नंबर दिख रहा है आपको सेवन फाइव जीरो नाइन नाइन एट फाइव फोर जीरो फोर पर मैसेज कर सकते हैं कल से बुक मिलना चालू हो जाएगी चलिए तो एक समय आ चुका है हमारे सदविचार का मोटिवेशन का क्योंकि यह समय ऐसा है कि हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा हमें पेपर निकालना है तो पढ़ना ही पड़ेगा बिना पढ़े कोई भी एग्जाम पास नहीं हो सकता और खुद पर विश्वास है तो जंग जीती जा सकती है सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत जरूरी है आप इधर उधर उड़ा देती हो चीजों में कि भैया सौ दो सौ ढाई सौ रुपए कपड़े ही में उड़ा दिए लेकिन आप पढ़ाई के चक्कर में क्या सोचते हो यार क्यों लिया जाए हम तो वैसे ही पढ़ लेंगे लेकिन दोस्त अगर आप सच्चे हो अपने प्रति अगर आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो अपने आप के प्रति सच्चे हो तो सफलता मिल जाएगी और सफलता यही है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी और हम हमेशा आपके साथ हैं मिलकर मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों मिलते हैं कल अभी मैं बुक लेने जा रहा हूँ तो बहुत एक्साइटेड हूँ मुझे मज़ा आ रहा है मैं देखना चाहता हूँ बुक कैसी है चलिए तो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद वंदे बंदे मातरामावनूप सर की क्लास रहेगी उसको आप इंजॉय करिए तीन मिनट बाद चलिए धन्यवाद